नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लम्बर टेक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो औजार से रिलेटेड है। आज हम आपको औजार के बारे में बताएंगे, किस औजार का क्या नाम है और कौन से औजार से क्या कार्य किया जाता है। तो चलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परंतु इससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे दो बात कर लेता हूं। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। कसने व खोलने वाले औजार, यह पाइप रिंच प्लम्बर कार्य में मुख्य भूमिका निभाती है। पाइप रिंच की जरूरत प्लम्बर को पाइप खोलने अथवा पाइप को कसने के लिए पाइप रिंच की आवश्यकता पड़ती है। यह कई साइज की होती है, 12 इंची, 14 इंची, 18 इंची, 24 इंची। इन साइजों से ऊपर चैन रिंच होती है। यह टोटा प्लास है। टोटा प्लास को हमारे प्लम्बर भाई पोपट प्लास के नाम से भी जानते हैं। यह प्लास ज्यादातर छोटे छोटे नट वोल्टों को खोलने व कसने का कार्य व कनेक्शन पाइप को कसने और पीवीसी पाइप को पकड़ने का कार्य भी करता है। यह 15 एमएम से 25 एमएम तक के साज पर कार्य करता है। प्लास, इस प्लास का ज्यादातर यूज बिजली के कार्य में होता है। इस प्लास की सहायता से तारों को जोड़ा जाता है और छोटे छोटे नट वोल्टों को खोला व कसा भी जा सकता है। रिंग स्पिनर को हमारे प्लम्बर भाई पाना के नाम से भी जानते हैं। यह रिंग स्पिनर नट बोल्ट को खोलने का कार्य करता है। स्क्रू रिंच को एडजस्टेबल रिंच के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज हमारे प्लम्बर भाई सीबी फिटिंग अर्थात टोंटी लगाने के समय यूज करते हैं। इससे यह फायदा होता है कि टोंटी पर कोई स्क्रैच या निशान नहीं आता है। यह 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची तथा 18 इंची के साइज में स्पिनर को हमारे प्लम्बर भाई चाबी के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः नट बोल्टों को कसने व खोलने का कार्य करती है। एलन की चाबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह होती है। इसका कार्य भी कसने व खोलने के लिए किया जाता है, परंतु इसके नट और नट बोल्टों से अलग होते हैं। इनके नटों में अंदर ही एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में एलन की को लगाकर घुमाया जाता है, जिससे एलन की नट को कसा व खोला जा सकता है। पेचकश स्क्रू ड्राइवर, पेचकश का यूज ज्यादातर हर जगह पर होता है, चाहे वो हमारे प्लम्बर भाई हो या कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन हो। पेचकश को स्क्रू ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। यह पेचकश दोनों तरफ से कार्य करता है, एक तरफ से फ्लैट तथा दूसरी तरफ से चौकोर होता है। यह औजार थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। यह कोई कंपनी से बनाया हुआ औजार नहीं है, इसको लोकल कहते हैं। परंतु इसका सही नाम सड़ासी है। सड़ासी यह प्लास की तरह होती है, परंतु प्लास से थोड़ी अलग होती है। इसकी सहायता से वाष्पेशन का नल, पिलर कॉक व गहराई वाले नट बोल्टों को कसा व खोला जा सकता है। काटने वाले औजार, छेनी, चीजर। छेनी का यूज हमारे प्लम्बर भाई मुख्यतः दीवार में जरी बनाने के लिए यूज करते हैं। छेनी को हम चीजर, टांकी आदि के नाम से भी जानते हैं। आरी, आरी को अंग्रेजी में हेक्सा कहते हैं। आरी का यूज
फाइव को काटने के लिए किया जाता है। यह एक कटिंग टूल है। ग्राइंडर मशीन, ग्राइंडर मशीन यह एक हैंड कटिंग टूल है। इस ग्राइंडर मशीन को हाथ में पकड़ कर कार्य किया जाता है। ग्राइंडर मशीन से हम दीवार में जिरी करते हैं और लोहे की एंगल, गाटर, पाइप, पीवीसी शीट, पीवीसी पाइप आदि को अलग अलग व्हील को ग्राइंडर मशीन में फिट करके काट सकते हैं। खोदने वाले औजार, फावड़ा, फावड़े का उपयोग खुदाई व चम्बल सीमेंट को मिलाना और चम्बल सीमेंट या मिट्टी को तसले में भरने के लिए किया जाता है। गैंती, गैंती को बहुत से हमारे प्लम्बर भाई कोदाल के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम इसके काम से मिलता है, जैसे कोदाल, अर्थात पक्की या ठोस जगह को खोदना हो तो पहले गैंती से खुदाई करेंगे, उसके बाद फावड़े की सहायता से मिट्टी को बाहर निकालेंगे। हैमर मशीन, हैमर मशीन अर्थात हथौड़ा, यह मशीन हथौड़े का कार्य करती है। इस मशीन में आगे एक बिट लगा होता है जो कि छेनी जैसा होता है। यह मशीन छेनी पर चोट मारती है, जिसकी सहायता से लेंटर में हॉल, ईंट में धरी, सड़क आदि की खुदाई आसानी से की जा सकती है। छेद करने वाले औजार, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन का यूज हमारे कई भाई करते हैं, जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन आदि। ड्रिल मशीन से हम दीवार का बिट लगाकर दीवार में, लकड़ी का बिट लगाकर लकड़ी में तथा लोहे का बिट लगाकर लोहे में छेद कर सकते हैं और बिटों को साइज के हिसाब से मोटा या पतला भी किया जा सकता है। सफाई वाले औजार, कन्नी, कन्नी को अंग्रेजी में ट्राउ बेल कहते हैं। इसका यूज मुख्य रूप से राजमिस्त्री करते हैं, परंतु कन्नी की जरूरत हमारे प्लम्बर भाइयों को भी होती है, जैसे कि जिरी की कटिंग हटाना, सीमेंट लगाना, थोड़ी बहुत साफ सफाई के तौर पर भी। चूड़ी बनाने वाले औजार, डाई, डाई का यूज हमारे प्लम्बर भाई पाइप में चूड़ी बनाने के लिए करते हैं। एक डाई में 3 साइज के गुटके लगाए जा सकते हैं, जिससे 3 साइज के पाइपों पर चूड़ी निकाली जा सकती है। आधा इंची, 1 इंची और 1 इंची आदि के साइज पर चूड़ी निकाली जा सकती है। डाई 2 प्रकार की होती है, एडजस्टेबल डाई और फिक्स डाई। पकड़ने वाले औजार, पाइप बाइस, पाइप बाइस को हमारे प्लम्बर भाई बाप सिकंजा के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग पाइप को पकड़ने बांधने के रूप में किया जाता है। पाइप बाइस में पाइप को बांधने के बाद डाई की सहायता से पाइप पर चूड़ी आसानी से निकाली जा सकती है।